बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से है। सबसे बड़ी खबर, मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोपहर 1 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है। हरियाणा में पुनर्गठन होगा, फिर से सरकार बनेगी कुछ ही देर में। सरकारी विधायक का नेता चुना जाएगा, दो नाम लगातार चल रहे हैं। के साथ थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। थानेश्वर, विधायक दल की बैठक, कौन से नामों को लेकर चर्चा अभी? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले मैं राजभवन के सामने हूँ। राजभवन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो राजभवन है, राजभवन में ऑथ ग्रैंड की तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि टेंट लगने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे मंत्री सारे के सारे राज्यपाल को रिजाइन देकर अभी वापिस गए हैं, हरियाणा निवास की तरफ गए हैं। हरियाणा निवास में अभी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 1:30 बजे तक उम्मीद है कि राजभवन के अंदर दोबारा हरियाणा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि नायब सैनिक का नाम प्रमुखता से चल रहा है। जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जानकारी यह भी आ रही है कि संजय भाटिया का नाम भी, चूंकि करनाल से सांसद है संजय भाटिया को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ ही देर का समय है, 1:30 बजे अभी विधायक दल की बैठक के लिए मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और अन्य सभी मंत्री रवाना हो गए हैं। हरियाणा निवास में गृहमंत्री, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी में लास्ट समय तक जानकारी मिल रही है कि क्या फिर से मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई खबर चर्चा में भी? जी, मैं यही कहने चाह रहा था कि अभी यह भी जानकारी आ रही है, अभी सोर्स से जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दोबारा भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी से गठबंधन समाप्ति होना था, तो उसके बाद पूरी कैबिनेट रिजाइन क्यों कर गई? क्या पूरी की पूरी सरकार रिशिफल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं, इस बारे में अभी कुछ भी सब सूत्रों के अनुसार निकल कर आया है। क्योंकि बिहार में भी देखा था, नीतीश कुमार ने सिर्फ गठबंधन बदला था लेकिन उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया, फिर से सरकार का गठन हुआ। क्या उसी तरह का कोई फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हो सकता है इस तरह का फॉर्मूला भी अभी यहां हो सकता है। जो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी संभव है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के जो आला कमान की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री को दोबारा, मनोहर लाल को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हो सकता है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या संजय भाटिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी तीनों नाम चल रहे हैं, तीनों नाम में कयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दोबारा शपथ दिलाई जाए, यह सबसे प्रमुखता से चल रहा है। अभी 1:30 बजे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आखिर ये इतना बदलाव, इतनी हलचल किस वजह से? देखिए, कल शाम को जिस समय जेजेपी के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जेपी नड्डा जी से दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जेजेपी ने 2 सीटें लोकसभा के लिए मांगी थी। तो जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जेपी नड्डा ने उनसे कहा था कि हम 1 सीट आपको दे सकते हैं, 2 सीटें नहीं दे सकते, लेकिन जेजेपी ने कहा था कि फिर हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कल रात को ही राजनीतिक घटनाक्रम ये शुरू हो गया था। उसी राजनीतिक घटनाक्रम का नतीजा है कि आज ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि कल रात से ही मुख्यमंत्री ने जितने निर्दलीय विधायक थे उन सबको बुला लिया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से, सुबह करीब 5 बजे से एक के बाद एक निर्दलीय विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पर आना शुरू हो गया था। नैनपाल रावत जो निर्दलीय विधायक है उनसे मेरी बात हुई, गोपाल कांडा से मेरी बात हुई, जुगलान से मेरी बात हुई, और भी कई निर्दलीय विधायकों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक ही क्वेश्चन मुख्यमंत्री ने पूछा है कि आप सरकार के साथ हैं, अगर जेजेपी से गठबंधन समाप्त करके आप निर्दलियों के भरोसे सरकार बनाई जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जानकारी यह भी आ रही है कि जेजेपी भी दो फाड़ हो रही है। जेजेपी के 10 विधायक हैं तो उनमें से 5 विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल में आस्था जता के मुख्यमंत्री दिल्ली चंडीगढ़ आने की तरफ कूच कर चुके हैं, कुछ ही समय में वो चंडीगढ़ आ सकते हैं। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने जो फार्म हाउस है उसका छतरपुर में कहीं, वहां पर विधायक दल की बैठक बुला रखी है। आधे विधायक वहां जा रहे हैं, आधे विधायक यहां आ रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितने विधायक असल में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। जी, बाकी निर्दलियों का स्टैंड क्या है अब तक? हालांकि ज्यादातर बीजेपी के साथ रहे, अपनी आस्था दिखाने की बात लगातार करते रहे, लेकिन फिर भी इस समय किस पाले में है?
देखिए अब तक छह निर्दलीय विधायकों से जो मेरी बात हुई है, छहों ने एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री आवास में हमें बुलाया गया था, मुख्यमंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री ने पूछा था कि आप सरकार के साथ हैं, हमने क्लियर कट कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जेजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। तो ऐसे में क्लियर मैसेज ये जा रहा है कि जितने भी निर्दलीय विधायक है वो सारे के सारे ही बीजेपी के साथ है, क्योंकि 41 विधायक बीजेपी के हैं, 7 निर्दलीय विधायक है और निर्दलीय विधायक है एक हलोपा पार्टी के गोपाल कांडा विधायक है। तो इस तरीके से सरकार के पास 49 विधायक हो गए और सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायक चाहिए। तो इस हिसाब से जो मौजूदा बीजेपी सरकार अगर सरकार बनाती है तो 3 विधायक उसके पास अभी भी एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसे में सरकार बीजेपी की बनना लगभग तय है, विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब कुछ ही देर में मोहर लग जाएगी। जी लेकिन इन तमाम कॉम्बिनेशन परमुटेशन में अगर एक बात कॉमन देखिए तो बीजेपी अपने नॉन जाट फॉर्मूले पर बरकरार रहेगी, थानेश्वर ये माना जाए? देखिए क्योंकि अभी जो नाम निकल कर आ रहे हैं सीएम के वो सारे के सारे नॉन जाट हैं। आप देखेंगे संजय भाटिया पंजाबी बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, माइग्रेटेड पंजाबी बिरादरी जो पाकिस्तान में आजादी के समय जो अलग हुए थे उनमें से ये आते हैं संजय भाटिया, नायब सैनी बिरादरी से हैं और खुद मुख्यमंत्री पंजाबी बिरादरी से। तो ऐसे में अभी तीनों के तीनों जो सीएम की रेस में नाम चल रहे हैं वो नॉन जाट हैं। और दूसरी तरफ निकल कर ये आ रहा है कि जाट जो कि जाट उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला की जगह मौजूदा कृषि मंत्री जेपी दलाल को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जो सरकार का फॉर्मूला पहले था मुख्यमंत्री नॉन जाट होगा और उप मुख्यमंत्री कोई जाट होगा, तो ऐसे में जाट उप मुख्यमंत्री के नाम पर जेपी दलाल का नाम प्रमुखता से चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लगभग 1:30 बजे इन सब पर स्टैंप लग जाएगी। जी क्या एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जो जेजेपी का वोट बैंक था वो बीजेपी के खिलाफ ही हासिल हुआ था, जेजेपी के साथ अगर जाट वोटर जुड़े थे, युवा वोटर जुड़े थे तो उस समय दुष्यंत और दिग्विजय लगातार इसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ये बीजेपी आलाकमान भी समझ रहा था कि वो वोट बैंक दोबारा 2024 में उनके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इस पर आपकी राय हम लेंगे, लेकिन हलचलें तेज हो गई है। कृषि मंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे? आराम से हाँ बिल्कुल दोबारा से। रोक ले यार रोक ले, आराम सर क्या अभी इस्तीफा दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब का दोबारा शब्द कब ले रहे हैं सर? दोबारा शब्द देखिए उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ, तो उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे। कब मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे सीएम? तो मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर? ऐसी बात सामने आ रही है। जेपी दलाल को सुन रहे थे आप, सरकार में मंत्री हैं, लोहारू से विधायक हैं और जेपी दलाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा मंजूर हो गया है। सभी मंत्री भी थे लेकिन नया चेहरा कौन होगा इसको लेकर स्पष्ट रणनीति अभी साफ नहीं की जा रही है। लेकिन थानेश्वर क्या जेजेपी का जो वोट बैंक था वो फिर से उसके साथ 2024 में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक बड़ी टसल की वजह बीजेपी और जेजेपी में रही है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जेजेपी किसान आंदोलन जब चला था, किसान आंदोलन में चूंकि जेजेपी ने जाटों के नाम पर राजनीति की थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसान और जाटों की पार्टी है। तो जब पहले किसान आंदोलन चला था 2020 में तो उस समय सभी ने कहा था किसानों ने कि आप रिजाइन करके हमारे जाट आंदोलन में शामिल हो जाइए। अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उस समय इनकी बहुत किरकिरी हुई थी कि आप जाटों के नाम पर आपने राजनीति की, किसानों के नाम पर राजनीति की, लेकिन जब किसान आंदोलन चला, किसान मुसीबत में आए, तब आपने किसानों का साथ नहीं दिया। तो धीरे धीरे इनका वोट बैंक बिल्कुल खत्म होता गया। और दूसरी तरफ कहा जाए कि इन्होंने जो ओल्ड एज पेंशन के लिए कहा था कि 5100 रुपए करेंगे, वो भी वादा पूरा नहीं किया। जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे उनमें से 10 से 15% वायदे भी पूरे नहीं कर पाई है जेजेपी, इससे भी लोग इनसे काफी नाराज थे। और जो इनका मौजूदा उस समय का जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे वोट बैंक इनसे खिसकता गया। कई जगह तो हालात ये हो गए कि क्लियर कट कई गांव में लिखा गया था कि जेजेपी के नेता और मंत्रियों का इस गांव में प्रवेश वर्जित है, ऐसे पोस्टर भी कई गांव में लगाए गए थे। और उसके बाद बीजेपी लगातार देख रही थी कि इनका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस करके जो मौजूदा इनको कहा गया कि आपको एक सीट दे सकते हैं, एक भी बीजेपी देने को सही तरीके से तैयार नहीं थी। बाद में जो सूत्र कह रहे हैं कि इन्हें एक सीट देने पर बीजेपी राजी भी हो गई थी, वो भी इस करके कि चलो पुराना गठबंधन चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्लियर कट अड़े थे कि हमें हिसार और भिवानी 2 सीटें चाहिए, अन्यथा हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जब राजस्थान में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो भी इनके लिए मुसीबत का कारण बना, गठबंधन टूटने का एक कारण बन गया। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जेजेपी ने चुनाव लड़ा था वहां इनके एक उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हुई थी।
तो बीजेपी ने देख लिया था कि जेजेपी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, तो अब जेजेपी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जेजेपी के जो 10 सीटें आई थी वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर आई थी। अब चूंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गई थी ये सरकार, तो जो जेजेपी के प्रमुख नेता थे वो उसी समय रिजाइन कर गए, तो हालत ये थी कि जेजेपी के जो विधायक है वो भी इससे नाराज थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जेजेपी के जो 10 विधायक हैं तो उनमें से 5 विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल में अपनी आस्था जता चुके हैं। इनके दादा गौतम जो विधायक कहे जाते हैं वो तो सदन के अंदर उनमें और उप मुख्यमंत्री में तो काफी तल्खी भी हुई थी, दोनों में एक दूसरे में बहस हो गई थी कि अगर आप दादा गौतम ने क्लियर शब्दों में कहा था, दुष्यंत अगर आप में हिम्मत है तो एक बार चुनाव लड़के दिखाओ, आपको जनता सब कुछ बता देगी कि अब आपके पास वोट बैंक कितना है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जेजेपी के जब एमएलए ही आधे एमएलए इनका साथ छोड़ रहे थे तो ऐसे में जनता इनके साथ कितने परसेंट रह चुकी है, सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पिछले दिनों और भी कई इनके ईश्वर सिंह एमएलए मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, तारीफ कर रहे थे। हाँ, देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक है वो भी मुख्यमंत्री के काफी करीबी बताए जा सकते हैं। वो तो हर बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से मैं इतना खुश हूँ कि इन्होंने जो काम करवाए हैं, आज तक के 60 साल के इतिहास में कभी हरियाणा में इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने अभी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसलिए देवेंद्र बबली हो गया, दादा गौतम हो गया, ईश्वर सिंह हो गई, और भी 2 विधायक जो है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति अपनी आस्था जता चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से निकलकर चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं, कुछ ही समय में वो चंडीगढ़ आ जाएंगे। अब देखना यह कि वो चंडीगढ़ आते हैं या दिल्ली विधायक जेजेपी की विधायक दल की बैठक में दिल्ली जाते हैं, क्या ये सब बातें कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगी। दोनों जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो सकता है रिपीट करें इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है, आपने बताया था निशो, लेकिन जो बाकी दोनों नाम है, एक तरफ सैनी प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी तरफ संजय भाटिया का नाम। संजय भाटिया ने सबसे बड़ी जीत 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, 5-6 लाख वोटों से लगभग जीते थे वो, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, करेक्ट करिएगा। और संजय भाटिया को टिकट भी मनोहर लाल ने ही अपने क्षेत्र से करनाल से दिलवाया था। किसका पलड़ा अभी भारी दिख रहा है और किस वजह से? देखिए, कल के अगर भाषण को सुनेंगे, प्रधानमंत्री ने जो कल भाषण दिया उसमें क्लियर कट कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेरे पुराने साथी हैं। उनके अगर एक एक शब्द पर हम गौर करेंगे तो उनका यह कहना कि मुख्यमंत्री मेरे पुराने साथी हैं, हम संघ के संगठन के लिए प्रचार के लिए जाते थे, बाइक पर जाते थे, जो जो उन्होंने वर्ड कहे हैं उससे लग रहा है कि अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलड़ा ज्यादा भारी है। और दूसरी तरफ संजय भाटिया भी माइग्रेटेड पंजाबी कम्युनिटी जो हरियाणा में काफी बड़ी संख्या में है उनको लीड करते हैं, उनको एक पंजाबी कम्युनिटी के जो नेता है उनको एक अपने नेता के रूप में मानते हैं। संजय भाटिया भी अच्छा वर्चस्व है हरियाणा में, अच्छे जिस भी एरिया में जाओ तो उनके चाहने वाले मिल जाते हैं, तो इसलिए संजय भाटिया अभी सेकंड बन सकते हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में है, पहला नंबर उन्हीं का ही है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अभी जब मुख्यमंत्री राजभवन से बाहर निकले थे उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, पिछले कुछ हफ्ते अगर मैं कुछ कहूं कि कुछ दिनों से जो उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे थानेश्वर, आप बने रहिए, दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर थानेश्वर ने बताया, मनोहर लाल ही उनका पलड़ा भारी है लगातार। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है, विधायक दल की बैठक होगी। क्या अपडेट थानेश्वर, यानी मनोहर लाल ही बीजेपी के मनोहर चेहरे बने रह सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मनोहर लाल बीजेपी के मनोहर चेहरे बने रह सकते हैं, जैसा आपने कहा कि शाम 5 बजे, हो सकता है उससे पहले भी शपथ ग्रहण समारोह हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजभवन में, आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि पूरे टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, कहां कहां कैसे कैसे, जैसे शपथ ग्रहण समारोह के समय पहले जैसे टेंट लगते थे उसी समय सारा शमियाना लगना शुरू हो चुका है। और कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी बीजेपी की, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी जो पर्यवेक्षक आ चुके हैं, पर्यवेक्षक भी सभी विधायकों से, कहा जा रहा है कि विधायकों से बात करेंगे, वो तो एक खानापूर्ति कही जा रही है, क्योंकि असल मोर जो है ऊपर से लग चुकी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा था कि बिहार में जो किस्सा दोहराया गया था, हुआ था, वही किस्सा हरियाणा में भी दोहराया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़े नुकसान में अगर कोई रहेगी पार्टी तो वो जेजेपी पार्टी रहेगी, क्योंकि जेजेपी के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल में अपनी आस्था जताएंगे, वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, खासतौर पर देवेंद्र बबली, क्योंकि देवेंद्र बबली टोहाणा से इलेक्शन लड़ने के विधायक है और टोहाणा से ही सुभाष बराला विधायक थे, सुभाष बराला को राज्यसभा में सांसद बना दिया गया बीजेपी द्वारा, और अब टोहाणा में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली की सीट बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ऐसे में देवेंद्र बबली का कहा जाए, देवेंद्र बबली, दादा गौतम, ईश्वर सिंह, इन 3 विधायकों का बीजेपी के साथ आना लगभग तय माना जा रहा है। अभी कुछ ही देर में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी, सबसे अहम सवाल, क्या जेजेपी की तरफ से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उस वजह से नाराजगी ये सामने आई, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर ही एक बड़ा हर्डल था?
देखिए सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा हैडल था, सबसे बड़ा हैडल तो सीट शेयरिंग को लेकर लग रहा है। अगर जो इनका कॉमन मेडियन जो प्लान बना था उस पर अगर होता तो ये गठबंधन पहले समाप्त हो सकता था, क्योंकि अक्सर मीडिया जब दुष्यंत चौटाला से या मुख्यमंत्री से पूछते थे कि क्या गठबंधन समाप्त हो रहा है क्योंकि आपका जो कॉमन मीडियम प्लान बना था उसके हिसाब से क्या काम हो रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला कहते थे कि जो जो हमारा प्लान हुआ था उसी हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला से पूछा जाता कि आपने मैनिफेस्टो के अंदर जो जो वायदे किए थे उनमें से 15% वायदे भी आपने पूरे नहीं किए, तो पेंशन की जो बात थी तो वो आपने सीनियर सिटीजन पेंशन 5100 करने की बात थी वो आपने पूरी नहीं किया, तो इस पर दुष्यंत चौटाला कहते थे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत आएगा तो हम वो भी करके दिखा देंगे। तो तल्खी जो थी काफी समय से अंदर ही अंदर पल रही थी, वो तल्खी आज एक विशाल रूप आ गई है, उसी के चलते ये सारा काम हुआ है। बहुत शुक्रिया थानेश्वर, आपका तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिए भारत 24, हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है।